को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको तीन ऐसे शब्द बता रहा हूं, तीन ऐसे मंत्रास बता रहा हूं जो आपके लाइफ में मनी के फ्लो को बढ़ा देंगे। किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट है वो आपके दूर हो जाएंगे, कितना भी बड़ा आपका कर्ज है वो आपका उतर जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ आपको टिप्स बता रहा हूं कि देखिए, आप लोगों के पास में यदि पैसा नहीं रुक रहा है, किसी भी चीज को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है? देखिए, भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रिय शब्द है, इस ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा प्रिय शब्द है, वो एक शब्द है। अगर इसको आप रटना शुरू कर देते हैं, इसको अपनी लाइफ में यदि हैबिट बना लेते हैं, गारंटी लेता हूं दोस्तों, कभी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके पास में वो सब चीज आएगा। खुद ऐसे योग बनेंगे, जो भी चीज आप जिंदगी में चाहते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी मनोकामना पूरी ना हो। भगवान को, या कहा जाए तो हमारे ब्रह्मांड को, हमारे यूनिवर्स को सबसे ज्यादा जो प्रिय शब्द है वो है आपका ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब कि आभार व्यक्त करना, जो कुछ भी प्राप्त है पर्याप्त है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर लाइफ में शिकायतें करते रहते हैं। कुछ भी होता है, भगवान ने ये कर दिया, ये हो गया तो भगवान ने ये कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, हमारे कर्माज ही सब कुछ करते हैं और दोष देते हैं हम भगवान को। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें पता नहीं होता है, भगवान हमें मुसीबत से निकाल देते हैं। भगवान ने जरा सी कोई बात नहीं सुनी, हम भगवान बदल देते हैं। इंसान की फितरत है। आज हमें ये ग्रह अच्छा फल दे रहा है, कहीं से पता चलेगा? आप किसी एस्ट्रोलॉजर को चेक कराएंगे, ये ग्रह सबसे ज्यादा बेस्ट है, इनकी पूजा कर लो या आपकी जिंदगी बना देंगे, आप उनकी पूजा करने लग जाएंगे। दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएंगे, किसी तांत्रिक बाबा के पास में जाएंगे, इन भगवान की पूजा कर लो, आप उनकी पूजा करने लग जाएंगे। इंसान भगवान भी बदल देता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना कोई इष्ट रखिए, किसी एक भगवान को रखिए, किसी एक को मानिए और उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड करिए, धन्यवाद करिए। 41 डेज तक बिना शिकायत किए बस धन्यवाद करके देखिए आप हर चीज के लिए, जो भी प्राप्त है पर्याप्त है। भगवान से हमेशा बोलिए, मेरे पास में जो भी है, आप मेरे लिए जो भी कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए वो अच्छा है, मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरे को पसंद है, आप मेरे लिए वो करिए जो मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि भगवान हमेशा वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, वो नहीं देते जो आप चाहते हैं। और जब हम शिकायतें करते हैं तो ऐसी बैड एनर्जी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाती है। तो जितना ज्यादा दोस्तों यदि आप लाइफ में धन्यवाद करते हैं, प्रकृति आपको सारी अनुकूलताएं ला करके देती है। मैंने काफी वीडियोज में पॉजिटिव अफर्मेशन बताई है। अगर आप लोग 41 डेज तक ये लाइफ चेंजिंग, अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो 41 डेज तक ये आप करके देखिए। सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके जैसे नींद खुलती है, खुले आकाश में खड़े हो जाइए, आसमान में दोनों हाथ जोड़ करके बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूँ, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं बहुत धनवान हूँ। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड करिए, जो भी कुछ पास्ट में मिला था उसके लिए धन्यवाद करिए, जो प्रेजेंट में आपके पास में है, भले आपके पास में 100 रुपए है उसको लेकर के ही धन्यवाद करिए कि मेरे पास में है। आपके पास में जो कुछ भी, जब उसको लेकर के ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, आभार व्यक्त करते हैं, तो आपके साथ में पॉजिटिविटी आने लगती है, हर वो चीज और भी आपके बरकत होने लगती है और पैसा खींचा चला आता है। तो हमेशा भगवान को शिकायत ना करके इन 41 पूरी फीलिंग्स के साथ में इस प्रेयर को करिए। ग्रेटिट्यूड करना है, शिकायतें 41 डेज तक नहीं करना है, अपने आप 41 डेज में लाइफ चेंजिंग मिरेकल होगा, आप खुद देखेंगे पॉजिटिविटी। और आज की जो जानकारी दे रहा हूं, ये आप शुक्रवार के दिन में, पूर्णिमा के दिन में, या फिर पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में इस रेमेडी को कर सकते हैं, त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं। इसको लिख करके और अपने पास आपको बस रखना है, फिर उसके बाद में देखिए मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। विश्वास के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में करना है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय की कुछ खास रेमेडीज, एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय और शत्रु बाधा मुक्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल है ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो मैं कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी।
कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जो लोग भी मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश है, वास्तु दोष है, कुछ तंत्र मंत्र किया कराया सबको लगता है टोना टोटका, या फिर कर्ज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पति पत्नी मन मन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की समस्या का सटीक समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, या अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जो भी चार्ज है पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें और अपना कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप कर दें, जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट करूंगा और आप अपनी समस्या का, हर एक समस्या का सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप ये जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, यदि डेली आप इसको 41 डेज तक 108 टाइम लिखते हैं तो दोस्तों आपकी लाइफ में मनी मिरेकल होना शुरू हो जाएगा, माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपको लिखना है जो स्क्रीन में जो मंत्र दिख रहे हैं, ये तीनों मंत्र आपको 108 बार, मतलब तीनों मंत्र जो दिए हुए हैं ये एक है, ठीक है। ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम महाविष्णु महालक्ष्मी नमः, ये तीनों मिलाकर के एक मंत्र बनता है। तो इन तीनों को यदि आप रेड कलर के पेन से एक कोरी कॉपी लें, ठीक है, शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करें और 108 बार इस मंत्र को आप लिखना शुरू कर दीजिए। कॉपी में डेली आपको लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर श्री गणेशाय नमः, ठीक है, और उसके बाद में थैंक यू यूनिवर्स ये लिख देना है आपको, ब्रह्मांड को थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, और उसके बाद में इन मंत्रों को आपको लिखना शुरू कर देना है। डेली आप यदि एक ही टाइम पे लिखते हैं इसको तो और भी बेस्ट है, ठीक है। मतलब कि जैसे आज आप 10 बजे लिख रहे हैं तो दूसरे दिन भी आपको क्या करना है, 10 बजे ही लिखना है। तो एक टाइम अपना फिक्स कर लें, 2 बजे लिख रहे हैं तो डेली 2 बजे लिखें, क्योंकि एक ही टाइम पे जब हम मंत्रास लिखते हैं तो इसमें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट होने लगती है ना। तो एक ही टाइम पे, लेकिन शुद्धता से करना है इस चीज। मेरे जो उपाय होते हैं सात्विक होते हैं, जब तक इस मंत्र को लिखेंगे नॉनवेज वगैरह आपको नहीं लेना है, शराब वगैरह नहीं पीनी है, अशुद्धि वाले दिनों में महिला स्किप कर देंगी, आगे के दिनों से काउंट करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो धन के मार्ग खोल देता है। यदि आपके पास में रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए कर सकते हैं, कर्ज बहुत ज्यादा है उसके लिए कर सकते हैं। और जब एक बार आप इसको लिख लेते हैं 108 टाइम, तो उसके बाद में क्या करेंगे आप, इसको कहीं पवित्र जगह अपनी पूजा स्थान में इस कॉपी को और पेन को रख दें। पवित्रता से इस प्रयोग को करना है क्योंकि माता लक्ष्मी को सफाई बहुत ज्यादा प्रिय है। दूसरी बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं कि इस मंत्र को आप पानी की, एक कांच की ग्लास लें, पानी को देखते हुए, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो पानी को देखकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं और अपने आंखों के सामने, आपको मतलब झुकना ना पड़े, रीढ़ की हड्डी गर्दन आपकी सीधी हो, आंखों के सामने ग्लास को रखिए और पानी को देखते हुए इस मंत्र को 108 बार चैंट करिए और मन में विजुलाइज करिए कि बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसों को आपको खींचना है, आकर्षित करना है, अट्रैक्ट करना है। तो पानी जो होता है जीवित तत्व है, ये साइंस भी मानता है। तो आपके थॉट्स को जो आप मंत्र बोलेंगे तो ये पानी क्या करेगा, उन चीजों को ऑब्जर्व करेगा, सोखेगा। और इसको क्या करना है, मंत्र जब 108 बार आपके हो जाते हैं तो इस पानी को आपको ढक करके 1-2 घंटे के लिए रख देना है, फिर 1-2 घंटे बाद इस पानी को आपको पी लेना है। ये भी आपको 41 डेज तक करना है। उसके बाद में देखिए 41 डेज के बाद जो लाइफ है और 41 डेज के पहले की जो लाइफ थी, कितना परिवर्तन आएगा आपको। अपने जो भी अनुभव है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत आप देखेंगे कि पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे, सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। पूरे विश्वास के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में इस प्रयोग को आप करिए, क्योंकि विश्वास ही काम करेगा यहाँ पे। कोई बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री काली ये जरूर लिखिएगा, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं आपके कमेंट्स में आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को शेयर करिए, और भी लोग हैं जो परेशानी में होंगे उन तक इस जानकारी को शेयर करिए, और लोग भी इस जानकारी का बेनिफिट दे सकते हैं, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह इस जानकारी को शेयर करिए। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी आगे इस जानकारी को शेयर करिए और लोग भी इस जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।